मुझे ये सब प्यार और इज्जत तुम लोग जो दे रहे हो, मत तो इसके काबिल ही नहीं हूं। ये जो अंबा योगेश कंपनी टेक ओवर सब जो हुआ है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी क्योंकि क्योंकि ये सब मुझे पहले से पता था। इनफैक्ट शुरुआत में तो मैं भी योगेश के साथ थी इन सब में। I'm really very sorry. हम कंपनी के पैसे इलीगली यूज़ करते हम कंपनी के पैसे इलीगली यूज़ कर देते हैं। इतने बोला पर कैसे बिना मेरी नजरों में आए? ये एक्चुअली वो चित्रा की शादी के वक्त शुरू हुआ था। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कुछ पेपर्स साइन करने के लिए दिए थे और तुमने भी जल्दबाजी में वो साइन करके दे दिए। प्लीज यकीन करो उस टाइम में ये सब बहुत ही छोटे लेवल पे था। ये वही सिग्नेचर्स तो नहीं है ना मैम जो आप लोग मुझसे देवसा से करवाने को कहते थे? हो सकता है ये उन दिनों की ही बात है। जैसे जैसे इनकी भूख बढ़ती गई मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने मैंने योगेश को समझाने की बहुत कोशिश की। हमें तो न जाने क्या हो गया था, पैसों की भूख में पागल हो गए थे हम लोग। ऐसा कुछ करते जा रहे थे कि अपनी ही नजरों में गिर जाए। मुझे जब अर्जुन ने रियलाइज करवाया तब मैं पीछे हट गई। मैंने योगेश को भी रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इनफैक्ट योगेश ने अभिमन्यु के भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। बहुत देर हो चुकी थी, उसके तो मुझे से खून लग गया था। मैं तुम्हें तभी बताने वाली थी लेकिन मैं डर गई थी क्योंकि मेरे फंसने के भी चांसेस थे। कितनी दफा उसे साइन करवाए पेपर्स, चेक्स पे साइन करवाए और ऐसे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कंपनियां डूबने जा रही हो। योगेश ने लगातार फ्रॉड बस कंपनीज में पैसा लगाया ताकि रायचंद कंपनी के शेयर्स गिर जाए और अंबा उन्हें खरीद सके। मैंने बहुत समझाया देव उसे, बहुत समझाया लेकिन कि उसके दिमाग में पट्टी पढ़ाई गई थी। वो तो जैसे अंबा का तोता बन गया था। उस दिन उन दोनों को मैंने बातें करते हुए सुन लिया। लाज गया आपको कैसे वो लोग बातचीत कर रहे थे देव को डिस्ट्रॉय करने की, उसके बाद योगेश ने आपको स्लैप मारा था, बोला था यू आउट ऑफ दिस बिजनेस, ओके आई टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू मैम। बस उसी रात मैंने तय किया मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। इनफैक्ट मैं यहाँ आने जा रही थी, मैंने तुम्हें फोन भी किया था लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद योगेश ने मेरा फोन भी छीन लिया और मुझे मैं तुम सबसे माफी मांगी। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मैं उन दोनों के खिलाफ गवाही दे दूंगी, बस मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। फिर चाहे उसके बाद मुझे तुम पुलिस के हवाले कर दो। इट्स ओके कनिका, एटलीस्ट तुम्हें इतनी तो इंसानियत बची है अभी कि यहाँ आकर तुमने अपनी गलती को मान लिया है।
मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। दे शुड सफर। योगेश और अम्बा दोनों भी बचने नहीं चाहिए। सही कह रही हूँ भैया, हमारे पास ना अब एक ही तरीका है। कनिका का टेस्टिमोनी हमारी मदद करेगा शायद। ने भी कहा वहाँ से, हाँ शायद ठीक कह रही हैं आप, हमारे पास यही एक जीता जाता प्रूफ है कनिका पर। जितना आप इजी लग रहा है आप लोगों को, उतना इजी है नहीं ये सब। हमारे लॉयर से मैंने कंसल्ट करना चाहा और मैंने कॉल भी किया उनको, आई थिंक वो आने ही वाले होंगे, फिर वो क्लियर पिक्चर हो पाएगी, फिर पता चलेगा कि ये केस किस डायरेक्शन में जाएगा। कनिका वहां से कहती अगर मैं अपनी तरफ से जाकर कोर्ट में गवाही दूं तब तो कुछ ठीक हो सकता है ना। वहां से वकील कहते कोर्ट प्रूफ मांगते हैं। कनिका जी क्या बात, फालतू की बातें कर रहे हो आप। कैसे साबित करोगे कि आप लोगों से जबरदस्ती धोखाधड़ी से साइन करवाई गई है? 100% रिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी आप दोनों अंबा और योगेश के अंडर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर में एज एम्प्लॉय काम करते रहेंगे। भले ही आप लोगों के सिग्नेचर्स बदला कर लिए गए लेकिन वो फॉर्जिंग ही, और ये सिग्नेचर्स लीगली अग्री करते हैं। यहाँ से अभिनय ने बोला मैं ये सब मेरी गलती है, मेरी लापरवाही का नतीजा है ये सब। अगर मैं योगेश पे इतना ट्रस्ट नहीं करता तो शायद सब कुछ सबको ये दिन ही देखना पड़ता। सर अगर मैं देव के तरफ से उनके खिलाफ गवाही देती हूँ तो मे भी सब ठीक हो सकता है। कनिका जी कोर्ट प्रूफ मांगता है ना, तो आपके पास मेरिटेड में कुछ है ना ही रिकॉर्डेड, तो साबित कैसे करेंगे आप? और कैसे बता पाएंगे कि जो सिग्नेचर्स हुए हैं वो या तो जालसाजी के तहत किए गए हैं या जबरदस्ती कराए गए? दूसरा बहुत बड़ा गेम खेला गया है आपके साथ में। मेहता ने आपके बिजनेस को अंदर से खोखला करके रख दिया है। इतने खतरनाक तरीके से फंस चुके आपके बचने के कोई चांसेस भी नहीं। उन्होंने ज़्यादातर आपके अंडर के स्टिक्स खरीदे हैं ताकि आप या अभिमन्यु जी इस बिजनेस से कंपनी के खिलाफ में कोई भी लीगल एक्शन ना ले सके। हालांकि 9% स्टिक्स होने के बावजूद भी आप योगेश और अंबा के अंडर मेहता इंटरप्राइजेस के अंडर में